खबरों की नई पहचान। कोरोना महामारी के चलते शहर में कई प्राइवेट स्कूल ने फीस न बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो हर साल के मुताबिक 15% फीस बढ़ाने के नियम पर अड़े हुए हैं। ऐसे में झरिया के डीवी स्कूल में मंगलवार को फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों ने स्कूल गेट के समीप हंगामा किया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल हर साल फीस को बढ़ा रहा है, जो सही नहीं है। कोरोना काल में जब स्कूल बंद है तो स्टूडेंट से कंप्यूटर चार्ज, मेंटेनेंस फंड सहित विभिन्न चार्जेस क्यों मांगे जा रहे हैं। अभिभावकों ने कहा कि स्टूडेंट घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिभावक घर में इंटरनेट से लेकर स्मार्टफोन और लैपटॉप की सुविधा दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से टीचर भी अपने घर बैठकर खुद का इंटरनेट से निजी उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्कूल में फीस बढ़ोतरी क्यों जारी है? अभिभावकों ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश भर में लॉकडाउन लग जाने के कारण सभी स्कूल बंद रही, लेकिन ऑनलाइन क्लास जारी रहा। इस बीच कई छात्र स्कूल्स के पढ़ाई से असिंक और पूर्णतः दूर रहे। अब प्राइवेट स्कूल ऐसे छात्रों के अभिभावकों से भारी भरकम फीस की वसूली में जुटा है। आप लोग खड़े हैं किस कारण यहाँ खड़े हैं? यहाँ हम लोग अपनी बात रखने आए हैं। स्कूल में अचानक से इतनी वृद्धि हो गई फीस की, जो हम लोग आम आदमी है, रोज काम करते हैं, महीने का 10,000 पेमेंट है, तो 4,000 कहाँ से भर पाएंगे स्कूल में फीस? दो दो बच्चे मेरे पढ़ते हैं और फीस स्कूल प्रशासन बोल रहा है कि आपको फीस देना ही पड़ेगा, एनुअल फीस देना ही पड़ेगा, बल्कि सरकार का गाइडलाइन का कोई फॉलो नहीं कर पा रहे लोग। कुछ बोलने जा तो कुछ सुनते ही नहीं है, बोलते कि नहीं ये आपको पे करना ही है, किसी हालत में करिए लेकिन करना ही पड़ेगा। अभी आप क्या वार्ता हुई आपसे, क्या बात हुई? प्रिंसिपल से तो बात करने के, देखिए अभी दरवाजा बंद करके रखे हुए हैं, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है किसी को। क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है।